दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हमारे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास निकोन का Z6 Mark II कैमरा, इससे हम आज वीडियोग्राफी करेंगे और इसके सिनेमेटिक शूट को हम देखेंगे किस तरह का इसका स्लो मोशन है, किस तरह का स्टेबलाइजिंग है, और हम जो शूट करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं आज 120fps के साथ में, कि 120fps से कितनी अच्छी स्लो मोशन पिक्चर ये बना सकता है और क्या हम इसको आगे प्री वेडिंग पर शूट कर सकते हैं या फिर सिनेमेटिक में इसको यूज़ कर सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि भैया यह कैमरा किस तरह से सक्षम है और किस तरह से इसकी क्वालिटी है। सारे सेटिंग के जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, किस तरह से हमने कैमरे की सेटिंग रखी है और किस तरह से हमने काम किया, बिल्कुल इजीली काम करेंगे हम इसमें। और इसमें हम किसी भी तरह का गिम्बल यूज करेंगे, ना ही हम किसी तरह का एक्सेसरीज यूज करेंगे, ओनली ND फिल्टर के अलावा हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, तो इसको जरा भी मिस मत कीजिएगा। पूरा बिहाइंड द सीन मैं आपके साथ में शेयर करूंगा और कैमरा की सेटिंग भी आपके साथ में शेयर करूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपका दोस्त विजय बड़ोजी, आप देख रहे हैं ZMTS फोटोग्राफी चैनल। दोस्तों कैमरे को ऑन करा हमने और हमने हमारा स्विच किया वीडियो की तरफ, वीडियो पर हमने कैमरे को ले लिया है। वीडियो पर कैमरा लेते ही सबसे पहले आपको जो काम करना है उसको विशेष ध्यान रखिएगा। मेन्यू दबाकर आपको कैमरे की सेटिंग में जाना है, सेटिंग मेन्यू में, सेटअप मेन्यू में आपको ढूंढ लेना है कैमरा रीसेट। सबसे पहले आप कैमरा कोई सा भी होगा ना उसको रीसेट कर लेंगे ना, तो आपको सारी सेटिंग बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। हो सकता है आपके कैमरे में डिफ़ॉल्ट सेटिंग करी हुई हो या ना करी भी हो, तो आप इस कैमरे को देखकर अच्छे से आपका कैमरे को सेट कर लेंगे। रीसेट ऑल सेटिंग, इस रीसेट ऑल सेटिंग को आप ओके कर दीजिए। यस ओके। अब हमें कैमरा कह रहा है रीसेट कंप्लीट, टर्न कैमरा ऑफ। हमने ऑफ कर दिया कैमरा, अब ऑन किया हमने कैमरा। ओके, अब आपको अंदर मेन्यू में जाने की आवश्यकता सिर्फ एक बार पड़ेगी। आप आई बटन को प्रेस कीजिए, इसके बाद सारी सेटिंग देख लीजिए। यहाँ से आपका पिक्चर स्टाइल होता है जो कि हम न्यूट्रल रखने वाले हैं, और बाकी जब लोकेशन पर पहुँचेंगे तब हम देख लेंगे। यहाँ से आपका फ्रेम साइज होता है, तो फ्रेम साइज इसमें बहुत तरह का दिया होता है, तो आप कन्फ्यूज़ होते हैं कौन सा वाला रखना है। हाई क्वालिटी हम कर लेते हैं फिलहाल, 60fps दिख रहा है, हम 60fps पर शूट नहीं करने वाले, हम करने वाले हैं 120fps पर शूट, 120fps। ये रहा हमारा 120fps 1080। फिर भी आपका कैमरा जो है स्लो मोशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से आपको फ्रेम जरूर मिल जाता है लेकिन स्लो मोशन नहीं मिलता है। स्लो मोशन के लिए आपको अंदर जाना होगा, वो मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ। FX हमारा कैमरा काम कर रहा है, इमेज एरिया जो होता है FX मतलब फुल फ्रेम, ठीक है। ये हमारा वाईफाई का ऑप्शन है। यहाँ स्टेबलाइजिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजिंग आपको ऑफ ही मिलेगा। यह आपको ऑन तब मिलेगा जब आप एक स्टेबलाइजिंग वाला लेंस इसके साथ में अटैच करते हैं, तब हमारा 2470 का जो किट लेंस है वो स्टेबलाइजिंग नहीं आता है, तो हमें यहाँ पर ऑप्शन ऑफ ही मिलेगा। और यहाँ पर वापस से बात आ जाती है फोकस की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे वीडियो शूट करने के लिए। तो आपको फोकस एरिया चॉइस कर लेना है कौन सा आपको करना है। एनिमल फोकस भी है, वाइड भी है, इसमें बहुत सारे ऑटो एरिया भी है, तो हम फिलहाल ऑटो एरिया AF पीपल पर कर देते हैं, ताकि हम किसी का शूट कर रहे हैं ना तब फेस डिटेक्शन अपने आप हो जाएगा और कैमरा जो है ट्रैकिंग ले लेगा। वाइड बैलेंस फिर मैं आपको बताऊँगा एक बार कि केल्विन सबसे बेस्ट होता है हमारा वाइड बैलेंस में, जो हमें परफेक्ट पिक्चर बना के देता है, हमारे जो इच्छा होता है वैसा कलर। तो एक बेस्ट कलर जो आपके साथ में हमेशा शेयर करता हूँ वो होता है 4700 का। अक्सर इस कलर पर जो आपके जो है पिक्चर बिल्कुल ओरिजिनल आ जाते हैं। ये हमारा माइक्रोफोन है, इसका कोई आवश्यकता नहीं हमें स्लो मोशन में। मैट्रिंग मोड आप इसको सेंटर विजार्ड रख लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि पीछे ब्लर इफेक्ट अच्छे मिल सके। डेस्टिनेशन SD में लेना है आपको, या फिर इसमें CF कार्ड में लेना। हमारा SD कार्ड हमने लगा रहा था, SD कार्ड को हम क्लिक कर देते हैं। ये वाइब्रेशन रिडक्शन ये आपको बॉडी का मिलता है, आपको स्पोर्ट का टाइप का शूट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा फास्टिंग ले रहे हैं, या फिर नॉर्मल आप कर रहे हैं, या फिर आपको ऑफ करना है, तो ऑफ तो आपको करना नहीं है दोस्तों। आप या तो स्पोर्ट भी ले लीजिए या फिर आप नॉर्मल ले लेते हैं, तो आपको कैमरे का बॉडी का स्टेबलाइजिंग तो कम से कम मिल जाएगा, ताकि आपका वीडियो जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ बने। इसके बाद एक ऑप्शन और रह गया हमारा, आई बटन को हम फिर से प्रेस करेंगे। फुल टाइम ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस, ऑटो फोकस कंटिन्यू, ऑटो फोकस सिंगल। ऑटो फोकस कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देते हैं, ताकि हमारा सब्जेक्ट कभी मूव करता है तो कंटिन्यू हमारा फोकस जो है कैमरा ट्रैक करता रहेगा और उसको फोकस में ला के रहेगा। ये हमारी कैमरा की नॉर्मल सेटिंग हो गई। इसके बाद हमें जो है 120fps पर जाना है, तो 120fps दो तरह के इसमें दिए हुए हैं। आप वीडियो के इस फॉर्मेट पर जाइएगा, यहाँ पर आपको फ्रेम साइज मिल जाएगा, फ्रेम साइज रेट, यहाँ पर 120p लिखा हुआ है, मतलब ये स्लो मोशन वाला नहीं, इसको स्लो मोशन के लिए आपको यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्लो मोशन।
30p × 4, मतलब 30p × 4 120fps स्लो मोशन। तो इस वाली साइज को आपको ओके कर देना, जो आपको डिस्प्ले पर आसानी से नहीं मिल पाती है। तो यहाँ से आप 100fps भी ले सकते हैं, आप 24x5 स्पीड भी ले सकते हैं, और 30x4 इसका हाई स्पीड है 120 का, जो आपको स्लो मोशन बहुत ज़्यादा अच्छा देता है। हाई स्लो मोशन जो है इसका 30p × 4 का, जिस पर हम आज काम करेंगे। ओके, ये हो जाने के बाद दोस्तों आपको ISO जो है 100 कर लेना है, क्योंकि 100 ISO ही आपका मेन रहेगा, क्योंकि आप डे लाइट में काम कर रहे हैं। इसके बाद आपका शटर स्पीड जो रहेगा, क्योंकि आपने 120fps ले लिया है, तो आपका शटर स्पीड जो है 250 रहेगा। इसके बाद अपर्चर आपका 4.0 ही रहेगा। इस तरह से आपको कैमरा सेटिंग परफेक्ट हो जाएगी और आप वीडियो शूट अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों किसी का भी अगर आप शूट करते हो और आपको पिक्चर प्रोफाइल में प्रॉब्लम आता है, तो आप एक बार सब्जेक्ट के ऊपर कैमरा लगाकर आप कंटिन्यू डिस्प्ले पर देख सकते हैं कि भैया किस तरह का आपको पिक्चर प्रोफाइल चाहिए, ताकि आपको बाद में एडिटिंग ना करना पड़े, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं फिलहाल न्यूट्रल रखता हूँ, लेकिन फिर भी हम एक बार जो है चेक कर लेते हैं किस तरह से आपको जो है आपके फेस पे किस तरह की लाइटिंग आ रही है, किस तरह का आपको कलर दिख रहा है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल मुझे न्यूट्रल ही बेस्ट लग रहा है, तो मैं न्यूट्रल पर लोक के कर लेता हूँ। लैंडस्केप, स्टैंडर, बहुत सारी पिक्चर है, विविड वगैरह, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा कर ले, क्योंकि हर क्लाइंट की एक जो है अपनी पसंद होती है किस तरह का काम चाहिए होता। हम न्यूट्रल इसलिए लग रहा है कि हमें ओरिजिनल चाहिए, किसी भी तरह का अलग से एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं चाहिए। आपको सबसे पहले देखना होगा किस तरह का शूट करना आपको चाहिए क्या। जैसे कि हम फिलहाल शूट करने जा रहे हैं, तो हमको पता है 100% कि हम इसको स्लो मोशन बनाएंगे। यदि आपके कैमरे में इनबिल्ड है, तो आप स्लो मोशन पहले ही कर ले। इनबिल्ड स्लो मोशन जो है आपको स्टेबलाइजिंग देता है, और अगर हम स्लो मोशन पे नहीं लेकर बनाते हैं, तो हमें स्टेबलाइजिंग उतनी अच्छी नहीं मिलती, और बाद में हम रॉ प्रोसेस पे जब एडिट करते हैं, तो उतना ज़्यादा अच्छा स्लो मोशन नहीं निकल पाता। आपका काम ईजी करने के लिए ही कैमरों में जो है स्लो मोशन आया है। और ट्रैकिंग के मामले में आपको सारी सेटिंगें बता दूंगा। हमने फिलहाल ट्रैकिंग जो है इसमें हमें एनिमल ट्रैकिंग भी दिया हुआ है, और पीपल ट्रैकिंग भी दिया हुआ है, तो हम पीपल ट्रैकिंग पर करेंगे, क्योंकि हम जब टच करके फोकस करते हैं, तो हमारा ब्लिंक कहीं ना कहीं हो जाता है, स्टेबलाइजिंग अच्छा नहीं मिल पाता है, तो हम फेस पर टच कर देंगे पीपल ट्रैकिंग पर, तो अपने आप हमारा कैमरा जो है उसको डिटेक्ट करेगा। दोस्तों जिस शटर स्पीड पर आपको काम करना है, उसको आपको FPS से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जितना आपका FPS रहेगा, उसका शटर स्पीड आप डबल कर लीजिए। उसके बाद आप ISO को जितना कम रखेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अपर्चर, फिलहाल हम किट लेंस यूज़ कर रहे हैं 2470 का, तो अपर्चर हमारा रहेगा 4.0 का, इससे कम हम अंदर नहीं जा सकते हैं। उसके बाद की जो सेटिंग होगी, आपको कुछ भी नहीं करना है। इसमें एक अच्छी सी हमने एसेसरी यूज़ करी, जो कि होता है ND फिल्टर हमने आगे लगाया, इससे हम लाइट डार्क पूरा कंप्लीट हमारा अच्छे तरीके से कर लेंगे। कैमरा में किसी भी तरह की सेटिंग नहीं करना पड़ेगी, और सिर्फ ट्रैकिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये सेटिंग हमारा पूरा कंप्लीट है, सारा का सारा शूट जो है एक ही सेटिंग पर होगा, काम होगा तो सिर्फ ND फिल्टर के ऊपर। ND फिल्टर के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ND फिल्टर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और आपके कैमरा सेटिंग को बहुत ज्यादा इजी बना सकते हैं। पहले लोकेशन के हिसाब से बैकग्राउंड चूज कर लीजिए कि बैकग्राउंड किस तरह का चाहिए। अब हमें शूट वर्टिकल बनाना है, हॉरिजॉन्टल बनाना है, ये भी डिपेंड करता है हमारे काम के ऊपर कि हमें आउटपुट बाद में क्या निकालना है। हमें सोशल मीडिया पर यूज़ करना है, तो हम जो है वर्टिकली यूज़ करेंगे। इसके बाद के सारे जो शूट होंगे, वो मैं आपके पास एक एक करके बताऊँगा। यस, सब्जेक्ट को हमने ट्रैक किया, और सिंपल सा ओनली रिकॉर्डिंग चालू। यस, मूव करो। ओके, रुको, अब थोड़ा सा मूवमेंट करो, है ना, जो भी करना है। यस, भूल जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, चलो आप यही रिस्की जाओ, मूव गड़ो। ओके। यस, मूव। बढ़िया, मस्त। मैं बोलूँ तब हाँ, कैमरे में देखना मत, बस मूव करना, ठीक है ना। चलो यस, मूव। हाँ, रखो, करो, करते जाओ। यस, वेट। ओके, ना मैं बोलूँ तब, है ना, अब उधर देखना आप। यस, कैमरे में देख के स्माइल करो, पलटो। यस, कर दे रो। यस, मूव, स्माइल। यस, अब हुआ। ओके, चलो राउंड हो जाएगा सही से। हाँ, गोल गोल जैसे बताया था वैसे ही, भले लेंगा उठा लो अब हाथ से। हाँ ठीक है, चलो करो मूव, घूमो घूमो फास्ट, स्माइल।
सब चीजें एक साथ रखा करो। हाँ यस ओके ओके हो गया हो गया। कैमरे को डिटेक्ट मत करना अब है ना, कैमरे को नहीं देखना, नहीं देखना। यस मो आंख बंद करना बाद में, खोलने के बाद एक बार खोल के स्माइल देना, फिर आइस क्लोज कर लेना है ना। यस चलो आंख बंद चालू करो तो एक बार ऐसा कैसे सेम टू सेम। हाँ खोलो अब बंद करो। ओके आंखें छोटी थोड़ी सी ऐसा लग रहा है, वो छोटी है ना? मेरा पूरा मेकअप मार दिया। चलो राउंड करो घूमो। यस हाँ बढ़िया ठीक है ओके करते रहो ओके। चलो वेट आंखें ऊपर नीचे करना है ना ठीक है। हाँ यस बहुत बढ़िया करो बंद चालू बस करो बंद स्माइल के साथ। हाँ ठीक है ओके रुको फेस डाउन करो थोड़ा सा नीचे थोड़ा नीचे। हाँ झुकाओ गर्दन झुकाओ और झुकाओ और झुकाओ। यस हाँ यस आंखें नीचे ही रखना है ना, मैं बोलूँ तो ऊपर करना थोड़ा धीरे से। यस ऊपर करो आंखें स्माइल। यस ओके ठीक है एक बार ऐसे हाथ कोई बात नहीं। हाँ करो सेट कैमरे को मत देखो उधर देखो साइड में करते रहो लगातार करते रहो मैं हाँ करते रहो जो आपको अच्छा लग रहा करते रहो। बाल सेट करो ठीक है हाथ लगाओ ऐसे करो झुमके को पकड़ो ठीक है ना हो जाएगा सब काम। यस करो वो यस ओके करते रहो। घूम जाना पूरा मैं इधर है ना। यस चलो मुंह स्माइल नाइस चलो ओके। दोस्तों इस तरह से आप नॉर्मली अलग अलग तरह के शॉट बना सकते हैं। फुल शॉट ले लीजिए क्लोजअप शॉट ले लीजिए और कुछ वन थर्ड शॉट ले लीजिए और आपका रील जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से आपको अगर वेडिंग में भी कुछ काम मिलता है किसी भी तरह से आप स्लो मोशन को यूज़ करते हैं तो आपको पहले से माइंड लगाना है कि हर एक शॉट को आप अलग अलग तीन एंगल से लेंगे एक फुल एक क्रॉप और एक क्लोजअप। इस तरह से आप शूट करेंगे तो आपका सिनेमेटिक 100% अच्छा बन जाएगा। और भी बहुत सारे वीडियो जो है मैंने आपके साथ में शेयर कर रखे हैं और इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी वीडियो आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वहाँ जाकर आप एंड
ND फिल्टर का भी वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से ND फिल्टर हमारे कैमरे में काम करता है, जिस वजह से हमको कैमरे की कोई भी सेटिंग नहीं करना पड़ती। एक बार सेटिंग करने के बाद आपको शूट कंटिन्यू करना है, किसी भी तरह का सेटिंग नहीं करना, ओनली ND फिल्टर को आप लाइट डार्क कर आपके शूट को बेहतरीन बना सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आता है प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे साथ बने रहेगा नए नए वीडियो साथ में। तब तक के लिए गुड डे।